बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासीन अंसारी। अब दोबारा अगर उम्रा करना है मैंने तो यहाँ पे मस्जिद आशा आना पड़ता है। मैं पहुँच चुका हूँ मस्जिद आशा, आप देख सकते हो पीछे। तो दो रकात नफल अदा करेंगे, उम्रे की नियत से करेंगे। हराम बांध लिया मैंने, तो उसके बाद हरम शरीफ में जाके उम्रा अदा करेंगे। तो यहाँ बसें जो हैं फ्री में हैं, सऊदीया हुकूमत ने फ्री में बसें चलाई हैं, यहाँ फ्री लेके आती हैं, कोई पैसा नहीं। तो चलते हैं मस्जिद के अंदर, दो नफल नमाज जो है वो अदा करते हैं। दो नफल नमाज अदा कर चुका हूँ मैं और कुछ लोग कर रहे हैं। मस्जिद से बाहर निकल चुके हैं और दोबारा हरम जाने के लिए दो नंबर बस जो है नंबर दो यहाँ से जाएगी आयशा मस्जिद से। उसके लिए सिर्फ कुछ भी नहीं करना, ये पुल है, ये बनाना पुल है, ऊपर से सिर्फ सड़क को आपने क्रॉस करना है दूसरी साइड पे। इसके अलावा कोई कुछ ज़्यादा चलना नहीं, आपने दो मिनट का सफ़र। पुल के ऊपर मैं आ चुका हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो पीछे मस्जिद है। और यहाँ से जो हज करने के लिए लोग आते हैं, जो उम्रा अदा करने के लिए आते हैं, उनके लिए हुकूमत सऊदी अरब ने बहुत सारी सहूलतें रखी हैं। जैसे कि ज़्यारतें जो आप करने जाते हो उनमें भी बसेज हैं, जैसे तीन नंबर है, एक और नंबर है मुझे याद नहीं है। तो यहाँ से अगर आप किसको पूछ लें तो ज़्यारतों के लिए भी आप फ्री जा सकते हो। मकाम इब्राहिम की तरफ जो बस निकलती है तो तीन नंबर निकलती है, इसी तरह कुछ और ज़्यारतें हैं तो वहाँ पे आप इजीली फ्री में सफ़र कर सकते हो हुकूमत सऊदी अरब की तरफ से। तो यकीन करके जाने, जगह जगह ठंडे पानी की बोतलें वगैरह मिलती हैं, देते हैं ये लोग, बहुत खिदमत करते हैं जो उम्रा करने के लिए आते हैं और जो आज करने के लिए आते हैं। इसी तरह उनकी भी बहुत ज़्यादा चाहत होती है कि अपने मेहमानों की बढ़ चढ़ के खिदमत करें। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम उम्रा करने के लिए आया हूँ, मुझे इस पता नहीं था, तो यहाँ आके देखा है तो फिर ही आके पता चला कि वाकई यार कि बहुत ज़्यादा ये इज्जत करते हैं, मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा करते हैं। और इतने ज़्यादा बंदे यहाँ पे मौजूद होते हैं कि हर मुल्क से मुसलमान मर्द हो या औरत यहाँ पे जमा होते हैं। मेंटेन करना उनको ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बंदों को कैसे मेंटेन करना है। बहुत ज़्यादा सफाई रखते हैं, तो अल्लाह पाक अज़र देगा इनको। जो पाकिस्तानी मुसलमान, इंडियन मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान है जो यहाँ पे सफाई का काम करते हैं, क्योंकि गैर मुस्लिम मक्का में आ नहीं सकता, अलाउ ही नहीं है। वीज़े के ऊपर जब लिखा जाता है मुसलमान या ये पाकिस्तानी या इंडियन मुसलमान हो तो वही आ सकता है, दूसरा बंदा यहाँ गैर मुस्लिम आ ही नहीं सकता। ठीक है जी, तो यासीन अंसारी को दें जात, मिलेंगे दोबारा किसी नई वीडियो में। क्योंकि वीडियो आजकल मैं बना नहीं रहा, तो ना मेरा ये जो ब्लॉगिंग बनाने का मुझे पता भी नहीं इतना कि कैसे ब्लॉगिंग होती है। मेरा रेसिपी चैनल है,
तो इसलिए मैं ये यहीं से अल्लाह हाफिज़ कहूँगा आपको, अल्लाह हाफिज़।